हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मैशर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स, अपने सारे व्यूअर्स का थैंक्स पे करना चाहता हूं, बिकॉज आपके लव और आपके सपोर्ट की वजह से हमने 20,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कवर कर लिए हैं। आपका कंट्रीब्यूशन, आपका शेयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। जी हाँ, 25 नवंबर से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड DBMS को। एक्चुअली ये तीन सब्जेक्ट्स मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ बिकॉज इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं। और दूसरा पॉइंट, जैसा कि UGC नेट एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही पास आ रहा है, 18 दिसंबर टू 22 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है। और जो लोग भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अब स्टार्ट कर दें MCQs। जी हाँ, जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट डीप में क्लियर होता जाएगा। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे UGC नेट लेवल के होंगे। और जितनी भी वीडियोस हम लेके आ रहे हैं उन वीडियोस को आप लोग डेफिनेटली फॉलो करें। और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले कि हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 MCQ क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑल्दो UGC नेट भी 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं वहां पे भी मुझे, तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी सीखना है। हर एक क्वेश्चन जो है, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको टाइम 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन अगर थ्योरी क्वेश्चन की बात करें वहाँ 20 से 30 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इन केस प्रॉब्लम आती है तो आप पॉज तो कर ही सकते हैं, लेकिन इन सारी वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल सारा UGC नेट का है। और मेरी पूरी एनालिसिस जो है, पूरी एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपको वही क्वेश्चन जो है एज इट इज़ तो नहीं आएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको सिमिलर क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऑब्वियसली आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। दूसरा, यहां पे आप जितने भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल रहे हैं वो सारे के सारे आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इवन एक दूसरे की हेल्प करें, मतलब एज ए ग्रुप वहां पे पार्टिसिपेट करें। और जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलती जाएगी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि सॉल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे तो हर स्टूडेंट को लगेगा कि सॉल्यूशन उसका कब आएगा, तो मैं या तो उसी दिन जिस दिन वीडियो अपलोड करूंगा रात में या नेक्स्ट डे तक मैं उनके सॉल्यूशंस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितने भी लोग आपके साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ आपके जितने भी आप लोगों को जानते हैं, या इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक के अंदर पेजेस हैं, उन पेजेस पे भी या व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मेरी इस वीडियो को या मेरे इस मैसेज को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और 25 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करें टेस्ट सीरीज़, आप प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद।